हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी आज की इंग्लिश की क्लास। आज डेट है 2 मई 2020, यानी कि 2 तारीख है और मंथ 5th है आपका, और 2020। आज का जो लेसन है, हम लेसन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज आपका लेसन नंबर 2 है, द आंट एंड द डॉग। आंट मैंने होता है चींटी, एंड मैंने आउ, द डॉग मैंने फाख्ता। फाख्ता एक तरह का पक्षी होता है। तो ये कहानी एक चींटी और एक फाख्ता के बीच की है। वो कैसे कठिन या मुश्किल समय में एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये कहानी के अंत में बताएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं आज से फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। फर्स्ट पैराग्राफ की आपको आज इंग्लिश भी पढ़नी है, ओके? और साथ साथ वर्ड मीनिंग भी दे दिए गए हैं। वर्ड मीनिंग आज आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं अच्छे से, तभी आप इस कहानी को जान पाएंगे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इट वाज ए हॉट डे। इट मैंने यह, वाज मैंने था, हॉट मैंने गर्म, डे मैंने दिन, यानी कि एक गर्म दिन था या गर्मियों का एक दिन था। ए लिटिल आंट, एक ए मैंने एक, लिटिल मैंने छोटी सी, आंट मैंने चींटी, वाज मैंने थी, वेरी बहुत, थ्रस्टी मैंने प्यासी, एक छोटी सी चींटी बहुत प्यासी थी। सी वेंट, सी मैंने वह, वेंट मैंने गई, टू ए रिवर, रिवर मैंने नदी, टू ड्रिंक, ड्रिंक मैंने पीना, वाटर मैंने पानी, वह पानी पीने के लिए नदी के पास गई। जब प्यास लगती तो चींटी नदी के पास जाएगी, तो वो नदी के पास गई। जस्ट देन, ठीक तभी, सी उसने, लॉस्ट मैंने खो दिया, हर मैंने अपना, बैलेंस, बैलेंस मैंने संतुलन, ठीक तभी उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल, फेल मैंने गिर गई, इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई, यानी कि जब वो पानी पी रही थी किनारे पर जाकर, तो उसका बैलेंस मतलब संतुलन खो गया, संतुलन, और जैसे ही संतुलन खाया तो वो पानी के अंदर, नदी के अंदर गिर गई। सी क्राइड, वह क्राइड मैंने चिल्लाई, वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। ए डॉग, एक फाख्ता, फाख्ता मैंने बताया आपको एक तरह का पक्षी होता है, जो पास ही नदी के किनारे जो पेड़ था उसके ऊपर बैठा हुआ था और ये सब देख रहा था। जब वो पानी पी रही थी तो वो नीचे गिर गई, वो ये सब फाख्ता देख रहा था। ए डॉग मैंने, एक फाख्ता, एक फाख्ता वास मैंने थी, सिटिंग मैंने बैठे हुए, इन ए ट्री पेड़ में, एक फाख्ता पेड़ पर बैठी हुई थी, ये रहा पेड़, पास में बैठी ये सब देख रही थी। सी हियर्ड, सी मैंने उसने, हियर्ड मैंने सुनी, हियर्ड मैंने सुनी, द आंट्स, आंट्स मैंने चींटी की, क्राई मैंने चिल्लाने की आवाज़, उसने चींटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। द डब, फाख्ता, ड्रॉप मैंने गिरा दिया, यानी कि नीचे गिराना, किसी भी चीज़ को नीचे गिराना। ए बिग, बिग मैंने एक, बिग मैंने बड़ा, लीव मैंने पत्ता, इनटू मैंने में, किसी चीज़ के अंदर डाल देना। द वाटर, वाटर मैंने पानी में, फाख्ता ने एक बड़ा पत्ता पानी में गिरा दिया, ये रहा पत्ता, ये जो गिरा, जिसके ऊपर चींटी बैठी हुई है, यहाँ से फाख्ता ने पत्ता पानी के अंदर गिरा दिया। द आंट, आंट मैंने चींटी, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मैंने चढ़ गई, ओन, ओन मैंने पर, टू द लीफ, लीफ मैंने पत्ते पर, चींटी पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ मैंने पत्ता, फ्लोटेड, फ्लोटेड मैंने तैरने लगा, टू द रिवर बैंक मैंने नदी के किनारे तक, अब पत्ता तैर कर नदी के किनारे पर लग गया, यानी कि जब चींटी पत्ते के ऊपर चढ़ गई तो पत्ता किनारे पर लग गया। इन दिस वे, इस तरीके से, द आंट, आंट मैंने चींटी की, वाज मैंने थी, सेव मैंने बच गई, इस प्रकार चींटी बच गई थी। अभी इस कहानी का आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, सेकंड पैराग्राफ
कल की क्लास में होगा, लेकिन तब होगा जब आप मुझे ये काम करके दिखाएंगे। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और याद करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं, वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और ये चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में, और आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है कि द डव हेल्प्ड द आंट, क्योंकि इसमें डव ने आंट की सहायता की है। ये पैराग्राफ नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ आपको चित्र बनाना है और वर्ड मीनिंग लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास है, थैंक यू।